तो भाइयों एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा जूता दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा स्नीकर दिखाने वाला हूँ जो कि एक रियल गेमर खरीदता है। तुमने देखा होगा फेक गेमर बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जॉर्डन ले लिया 3 लाख का, 5 लाख का वो जूता ले लिया, भाई अजीबो गरीब चीजें खरीदते हैं। बट एक रियल गेमर कौन सा जूता खरीदता है? गोट। आज मैं तुम्हें जूतों में भी स्नीकर में भी गोट दिखाने वाला हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और ये है ये वाला जूता, देखो अभी प्रकट होगा तुम्हारे सामने, ये लो। तो ये है कूलर मास्टर का स्नीकर एक्स द गोट, जो कि एक स्नीकर है जो कि सिस्टम है, मतलब सीपीयू बनेगा ये, और एक कैबिनेट है इसमें बहुत सारी चीजें जाएगी, जीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, और एक स्नीकर बन के आएगा। पहले इसको हम लोग ना ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको चीजें समझेगी। तो इसको ओपन करने के लिए ऐसे कुछ तो था सिस्टम, ये कर दिया भाई, लो करो बात, ये निकल ही गया भाई। ये अजीब ही है बट ठीक है, हो जाएगा, हो गया हो गया हो गया। इसको भी निकाल देते हैं और अभी इसको ओपन करते हैं। अभी अनबॉक्स करने का तरीका हमारा थोड़ा कैजुअल है, पर चीजों को गायब करने का तरीका हमारा कैजुअल नहीं है। देखो ऐसे गायब होता है चीज। अभी करते हैं बक्से को ओपन, और ये बॉक्स ऐसे ओपन होता है मेरे ख्याल से, हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं। बट हाँ, 2-3 चीजें, चलो इसको पैक करो, पहले ये चीज देखते हैं हम लोग। बक्सा थोड़ा बहुत डेंजर है स्नीकर की तरह ही। ये बक्से में है क्या? ये बक्से में केबल है, अगर देखो दिखेगा शायद से, इधर से दिखेगा, इसमें केबल है। उसके अलावा एक और दूसरा बक्सा भी है, इसमें क्या है? इसमें इसको ओपन कैसे करेंगे? अच्छा भाई, इसमें भी वायर और केबल वगैरह ये सब चीज़ें हैं सीपीयू के लिए। अभी हम लोग कर लेते हैं मेन काम, हम देखेंगे स्नीकर को कि स्नीकर दिखने में कैसा है। कूलर मास्टर का पैकिंग बहुत तगड़ा है, इनको थोड़ा नॉर्मल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पैकिंग ओपन करने में 15 दिन निकल जाएंगे। बट अब पैकिंग बहुत बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, नेक्स्ट लेवल पर है। इसको हटाते भाई, ये तो नज़र लगेगी तुम लोगों को, दिखा दिया तो मैं नहीं दिखा रहा, बात खत्म। नहीं भाई बहुत सही है, तो इसको ओपन करना पड़ेगा, ऐसे कैसे मैं करेगा इसको? ओ ये हो गया, इसको थोड़ा साइड करते हैं। भाई साहब ये सच में कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है, देखो। हाँ इसको निकालूगा कैसे? निकालते हैं ऐसे। ओ भाई भारी भी है ये तो, भारी तो होगा ही डेफिनेटली, बट मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गया हूँ। तो ये है रियल गेमर का रियल स्नीकर, और देखो मैंने बाहर निकाल लिया है बढ़िया तरीके से, इसमें ये सब चीज़ें हैं। इसको हटाते हैं, इसमें जीपीयू लगेगा ये वाले केबल से, और उसके अलावा ये सब चीज़ें भी है। इसको भी हटा देते हैं। ये देखो भाई, ये दिखने में कुछ अलग ही लेवल का दिख रहा है। ओ ये क्या है? एक मिनट, एक और चीज़ है इसमें, इसको हटाते हैं। ये कुछ तो है, अच्छा ये भी केबल ही है, वो सीपीयू का जो आता है ना वो है। उसके अलावा एक ये भी है, ये गंदा ना हो इसलिए मे भी ये डालते हैं लोग, तो इसको भी हटा देते हैं। तो ये है अपना स्नीकर, ये भी हटा देते हैं भाई, चलो इसको भी हटा दिया ऐसे करके। अब देखना अभी इसमें बिल्ड होगी सब चीज़ें, इसमें जीपीयू जाएगा, सीपीयू जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जाएगी जो कि मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बट एक सिनेमेटिक में तुम्हें दिखाता हूँ कैसा दिखता है चारों साइड से। आ चुका है एक और बार मैजिक करके कंपोनेंट लाने का कि इस सीपीयू में लगेगा क्या। तो यह है सभी कंपोनेंट जो कि ये कैबिनेट में लगने वाला है। अपन लोग ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे कि पहले सीपीयू दिखा दिया उसके बाद जीपीयू बोलेंगे, रैंडमली चलेगा। यह है अपना एसएसडी जो कि इसमें लगने वाला है, सैमसंग ईवो 870। और ये कितने टीबी का है पता है? मैं एक बार चेक करने दो मेरे को, ये है 2 टीबी का जो कि इसमें जाएगा। उसके अलावा ये है इंटेल का अपना सीपीयू, इंटेल i9 14th gen, अभी का लेटेस्ट, बाकी मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। बात का एक मिनट रुको, बात का इसमें कुछ लिखा है क्या? इसका मॉडल नेम ना मैं गलत प्रोनाउंस कर दूंगा ना, तो फिर प्रोनाउंस क्या वो बता दूंगा तो गलत ही हो जाएगा, तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ये लेटेस्ट वाला इंटेल का बहुत ही पावरफुल, ये है एमएसआई का मदरबोर्ड, मॉडल स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा वो वाला मॉडल है। उसके अलावा अपने पास एक और चीज है जो कि है ट्राइडेंट का 32GB 32GB के 2 रैम जो कि इसमें जाएंगे, DDR5, और DDR5 सपोर्ट करता है अपना मदरबोर्ड, तो इस वजह से मैंने DDR5 का ही मंगवाया है। बहुत खतरनाक मदरबोर्ड, बहुत खतरनाक रैम, बहुत ही खतरनाक। अपने पास है 40TB का, 4TB का WD का ब्लैक वाला NVM चिप जो कि SSD NVM आती है वो वाली, तो ये इसमें जाएगी। उसके अलावा ये है अपना 4080 सुपर GPU जोटेक का, ये भी देख लो, ये भी बहुत ही खतरनाक है भाई। तो ये सभी पावरफुल चीज़ें मिलके एक पावरफुल स्नीकर बनाने वाला है, स्नीकर एक्स जो कि कूलर मास्टर का है, तो मजा आएगा। बनाते हैं अभी सब चीज़ें, इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो भाई अभी हमारा स्नीकर बिल्ड हो चुका है, बस अभी मेरे को ये कंपोनेंट जो बाकी है वो लगाने हैं, बाद
में स्निकर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जीपीयू लगा दिया है, मदरबोर्ड लगा दिया है, ये फैन लगा दिया है, जो कि अभी मेरे को ये पन्नी या कोथली जो भी बोलते हैं वो हटाना बाकी है, बाद में मैं हटाऊंगा। पीएसयू भी आ चुका है, एसएसडी भी डाल दी है, सब चीज़ें हो चुका है, बस अभी इसको मेरे को पैक करके ख़त्म करना है। और बीच में मैं रिकॉर्डिंग डालना चाहता हूँ, बट ऐसा है ना कि बिल्ड टाइम बहुत ज़्यादा लगा है तो वीडियो मैं डाल नहीं सकता हूँ, तो इस वजह से सीधा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ऐसे कुछ लगेगा, एक बार मेरे को सेट करने दो, ये जाएगा इस टाइप से यहाँ पे और फिर ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे लगेगी फिर स्क्रू। तो अभी हमारे स्नीकर एक पूरा कंप्लीटली बिल्ड हो चुका है और दिखने में तुम लोग देख सकते हो बहुत ही तगड़ा दिख रहा है। मैंने ना गलती से यहाँ पे हाथ रख दिया, जो कि नहीं रखना है वरना प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, बस इनने लिखा था कि डेंजर, यहाँ पे इसको पुश मत करना इसलिए। बट ये है पूरा हमारा स्नीकर एक्स, इसमें लाइटिंग बहुत सारी है, मैं तुम्हें नाइट व्यू दिखाना चाहता हूँ। बट उससे पहले हम बिल्ड करने वाले हैं कूलर मास्टर का, जो कि मैंने कैलिबर R3 का एक नया चेयर लिया है उसे, और चेयर बिल्ड करने के बाद जब इसका लाइटिंग वाला जो व्यू आता है चालू करने पे, इसको स्टार्ट करने पे, वो मैं दिखाऊंगा भाई। वो लुक देखने के बाद तो तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा, मतलब अलग लेवल पे है चीज। तो आ जाओ फटाफट से हम लोग चेयर बिल्ड कर लेते हैं। तो भाई अभी टाइम आ चुका है अपना गेमिंग चेयर बिल्ड करने का, बाद में हम लोग पीसी सेटअप करेंगे। अपना स्नीकर बन चुका है, बस उसमें विंडोज अपडेट करना है, मतलब अपडेट क्या है, इंस्टॉल करना है, उसके बाद हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग गेमिंग चेयर बिल्ड करेंगे कूलर मास्टर का, कैलिबर R3 मैंने जो कि मंगवाया है, और भाई बहुत खतरनाक है, मंगवाया तो नहीं बट कूलर मास्टर ने भेजा है, तो कूलर मास्टर लिखा हुआ है। इसे फेंकते हैं इस साइड पे, ओए भाई फेंको इसको साइड पे करो। और ये है अपनी चेयर, ये है चेयर का बैक साइड, और अभी हम लोग बाकी चीजें निकालने वाले हैं। भाई बैक साइड तो बहुत बड़ा है इसका, बैक साइड को करते हैं साइड पे और बाकी सब चीजें निकालते हैं। ये है अपना हैंड रेस्ट, क्या अरे यार निकल क्यों नहीं रहा, ये साइड पे लगेगा चेयर पे, और ये दूसरा वाला हैंड रेस्ट, ओ भाई हाँ ये बात, ये भी हैंड रेस्ट। सभी को हमको ना इससे बाहर निकालना पड़ेगा, थैली से बाहर सब चीजें निकालनी पड़ेगी। पैकिंग भाई जो किया है ना इन लोगों ने, 3 दिन लगेगा इसको निकालने के लिए चीजों को। व्हील बेज भी हमें मिल चुका है, ये देखो ये व्हील लगेगा। अरे यार इसका पैकिंग मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ही अजीब ही टाइप का है, खतरनाक वाला। यहाँ पे एक लगेगा, चलो इसको तो ओपन ही कर देते हैं भाई। अभी ये क्या है भाई, अच्छा ये चेयर के ऊपर लगने वाली चीज़ है क्या, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चेयर है भाई अपनी। भाई मेरे पास जो पहले थी एक चेयर, ऐसा नहीं है नहीं थी, बट ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। अभी ये क्या है भाई, अच्छा अभी इसका नाम मेरे को नहीं पता, बट हाँ इसके ऊपर हम जो बैठते हैं ना वो वाली चीज़ है, इसका इंग्लिश में प्रोफेशनल नाम नहीं मालूम मेरे को। ये क्या है, मैं हर एक चीज़ें देख के ना ऐसा शौक हो रहा हूँ, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट हाँ शौक तो लग रहा है मेरे को हर एक चीज़ का। ओ भाई ये है अपना चेयर के नीचे लगाने वाली चीज़, इसको सिलेंडर या ऐसा कुछ तो नाम दे देते हैं हम अपने हिसाब से, तो ये वो है। उसके अलावा स्क्रू वगैरह इसमें रहेगा, अरे इसमें ही है स्क्रू वगैरह, देखो ये भी है और स्क्रू भी है, सब चीज़ें हैं भाई। ओ भाई साहब ये भी मिल चुका है, ये टायर अपने वो बेस पे लगाने के लिए। उसके अलावा ये है, ये चीज़ है भाई, ये आई थिंक वो बीच में लगता है ना चेयर, ऊपर वाले बेस को और नीचे कनेक्ट करने के लिए, ये भी है। और स्क्रू वगैरह के लिए ये है, ये भी आ चुका है, बढ़िया। और क्या चाहिए, ये रहे स्क्रू किट, और साथ ही में ये जे यूनिवर्स वगैरह भी है, मतलब पैकिंग वगैरह करने के लिए। चलो अभी हमारा चेयर होने वाला है कस्टमाइज, मतलब बिल्ड। बॉक्स में मेरे को मैनुअल भी मिला है, अगर बिल्ड में किसी को दिक्कत आती है तो ये भी चीज़ है, बट मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी 2-3 चेयर बिल्ड करी है तो मेरे को पता है। ये टायर हमें लगाना है, मैनुअल कर देते हैं साइड पे, और भाई अच्छा कैसे ये लगा दिया, ये हो गया, अभी अपना बेस तैयार है, देखो बढ़िया। अभी इसके ऊपर जो चीज़ लगेगी वो है मेरे ख्याल से एक और पाइप, कहाँ पे गई, मैं तो पाइप ही बोलूँगा भाई अपनी लैंग्वेज में, तो ये आएगी यहाँ पे इस टाइप से, हाँ यही यहाँ पे लगती है ये वाली चीज़ ही। और उसके बाद ये लग भी गई क्या, बहुत आसानी से भाई, ये तो बहुत इजी स्टेप है, मेरे को लगा थोड़ा हार्ड जाएगा। एक मिनट मेरे को ये चीज़ एक बार चेक कर लेने दो। ये आखिरी वाला स्टेप है जो कि मैंने सबसे पहले किया, अब पहले वाला स्टेप हम बाद में करेंगे, हम उल्टा काम करते हैं। अभी इसको ओपन करते हैं और अपना जो बैक साइड है उसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ। टाइम आ चुका है स्क्रू बाहर निकालने का, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब होने वाला है इम्तिहान हमारा कि हम में कितनी ताकत है।
भाई इसको लगाएंगे कैसे? अच्छा ऐसे ही लगता है ना ये तो, मेरे ख्याल से तो हाँ ऐसे ही लगना चाहिए। अच्छा ऐसे जाएगा, ये स्क्रू फिट कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे हो जाएगा स्क्रू फिट। इसका असेंबल करना काफ़ी आसान है, मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस मेरे को लगा नहीं अब तक, जितना मेरे को लगता था हार्ड होगा उतना है नहीं। अभी इसे लगा देते हैं यहाँ पर पीछे की साइड पे। अभी ये स्क्रू की बारी, ये देखो भाई साहब ये हो गया ये वाला स्क्रू भी। अभी हम चेयर पे हैंड लगाने वाले हैं, तो हैंड लगेगा यहाँ पर और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारे चेयर का काम हो जाएगा खत्म। बाद में हम लोग स्नीकर को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो हमने पीसी बिल्ड किया है उसे टेस्ट कर सकते हैं इस पे बैठ के। भाइयों एक प्रॉब्लम हो चुका है, मैंने अपना कुछ खुरापाती दिमाग लगा दिया और चीजें मैंने उल्टी कर दी है यहाँ पे। मतलब ये वाला जो स्क्रू है इसको थोड़ा ऊपर से लगाना चाहिए है, बट मैंने पूरा अंदर ही बिठा दिया। तो अपना दिमाग कम लगाइए, मैनुअल को रीड करें जैसे मैंने अभी रीड किया, क्योंकि ये लग नहीं रहा है। अब इसको यहाँ पे लगाना है, लग ही नहीं रहा है देखो। तो मैनुअल रीड करना कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, अपने आपको स्मार्ट नहीं मानना है हर जगह पे। A few minutes later. तो हमारी गलती नहीं थी, मैंने सभी चीज वापस निकाल के वापस से पैकिंग किया है। इसको ऐसे नहीं लगाना है, इसको अंदर थोड़ा जाने देना है। नहीं ये वाला फिर मैंने गलत पकड़ लिया, इसको देखो ऐसे फिर लगेगा यहाँ पे स्क्रू इस टाइप से। तो कभी कभी अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगाना चाहिए, गलती ही मेरी थी, मैंने सही से चेक नहीं किया बस। अभी है फाइनल स्टेप, ये बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, इसको हमें उठा के इसके ऊपर डालना है और जितना मेरा वेट है उतना ही इसका है, तब कैसे उठेगा ये सवाल रहेगा। अगर अभी होता है तो ठीक है, वरना फिर बाद में करेंगे, नहीं करना है। हो तो गया है मे भी, हाँ 15-20 मिनट के बाद हमने इसको लगा दिया है। अगर कोई सपोर्टर रहता है ना तो बहुत आसान रहता है, बट कैमरामैन कैमरा लेके बैठा है और मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। देखो कोई सपोर्ट ही नहीं है भाई, ये देखो ये आखिरी स्टेप, आई थिंक ये है आखिरी स्टेप, ये लगेगा इस टाइप से पीछे और अभी इसमें हम लोग बैठने वाले हैं कैलिबर R3। लेट्स गो भाई, क्या लग रहा है ये।